हेलो एवरीवन, प्रीवियस ईयर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज का ये दूसरा वीडियो आपके सामने है और ये वीडियो सीरीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे आने वाली जो प्रिलिमरी एग्जामिनेशन है, प्रारंभिक परीक्षा है, उसके लिए इसे जरूर तैयार कर लें, दूसरों को भी शेयर करें जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस वीडियो का फायदा मिल सके। आज हम लोग बायोलॉजी का टॉपिक ह्यूमन एनाटॉमी और ह्यूमन फिजियोलॉजी लेंगे। आगे हम लोग फिजिक्स और केमिस्ट्री को भी कवर करेंगे। पहले बायोलॉजी को सेक्शन वाइज, टॉपिक वाइज कंप्लीट कर रहे हैं, तो आज हम लोग ह्यूमन एनाटॉमी और फिजियोलॉजी देखने जा रहे हैं। इसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन हमने लिया है यूपीपीसीएस से लिया है, मीन्स 2014 में पूछा गया है कि द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट फाउंड इन ह्यूमन बॉडी, यानी इंसान के शरीर में सबसे ज्यादा तत्व कौन सा पाया जाता है। तो याद रखिए कि बहुत सारे तत्वों से हमारा शरीर बना हुआ है, लेकिन 99% जो हमारा शरीर है वो सिर्फ 6 एलिमेंट या 6 तत्वों से मिलकर ही बना हुआ है। और ये जो 6 तत्व हैं उनमें जो सबसे अधिक मात्रा में आती है वो आती है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो लगभग 65% है, 65% है। दूसरे नंबर पर आता है कार्बन, हमारा शरीर कार्बन से बना हुआ है और कार्बन हमारे शरीर में जो इसकी मात्रा है वो 18.5% है, 18.5% है। तीसरा जो हमारे शरीर में एलिमेंट है वो है हाइड्रोजन, और ये जो हाइड्रोजन की मात्रा हमारे शरीर में है वो 9.5% के करीब है। चौथा तत्व जो बहुत ही इसेंशियल तत्व है वो है नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन जो है वो हमारे शरीर में लगभग 3.2% के करीब पाया जाता है। और पांचवा एलिमेंट इसमें जो पाया जाता है वो है कैल्शियम, हमारे शरीर में कैल्शियम पाया जाता है और उसकी मात्रा 1.5% है। और छठा एलिमेंट जो हमारे शरीर में बहुतायत मात्रा में पाया जाता है वो है फास्फोरस, और ये जो फास्फोरस है ये लगभग 1% हमारे शरीर में पाया जाता है। तो 99% भाग हमारे इसी 6 तत्वों से मिलकर बने हुए हैं। और भी तत्व हमारे शरीर में पाए जाते हैं, आयरन पाया जाता है, सोडियम पाया जाता है, पोटेशियम पाया जाता है, और भी तत्व पाए जाते हैं, लेकिन वो बहुत ही ट्रेसेस में, बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में ही पाए जाते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर जो ऑप्शन है आयरन, सोडियम, ऑक्सीजन और आयोडीन, इसमें ऑक्सीजन की का जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। तो ऑक्सीजन सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला ह्यूमन बॉडी में तत्व है, एलिमेंट है। दूसरा क्वेश्चन भी पहले क्वेश्चन की तरीके से पूछा गया है कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एलिमेंट फाउंड इन ह्यूमन बॉडी, हमारे शरीर में पाए जाने वाला जो मैक्सिमम अमाउंट एलिमेंट है कौन सा होगा। तो इन 4 ऑप्शन में ऑक्सीजन नहीं दी गई है, आयरन, सोडियम दिया गया है, और आपको पता है कि ये ट्रेसेस में पाए जाते हैं, यानी कि वो उन 6 एलिमेंट्स में नहीं शामिल हैं जो कि हमारे शरीर को बनाने का काम करते हैं। 99% हमारे शरीर को बनाने का काम करते हैं, ये बहुत ही छोटी मात्रा में पाए जाते हैं। तो ये दोनों ऑप्शन गलत हैं। फास्फोरस और कैल्शियम उन 6 एलिमेंट्स में शामिल हैं जो कि हमारे शरीर का 99% भाग बनाते हैं, जिसमें फास्फोरस की मात्रा 1% है, कैल्शियम की मात्रा 1.5% है। तो इन ऑप्शंस में कैल्शियम सही ऑप्शन है जो हमारे शरीर में पाया जाने वाला। इन चारों ऑप्शनों में कैल्शियम सबसे अधिक एलिमेंट पाया जाता है, सबसे ज़्यादा मात्रा में जो तत्व पाया जाता है वो कैल्शियम पाया जाता है, जो कि इस ऑप्शन में दिया गया है। फिर उसके बाद थर्ड क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। थर्ड क्वेश्चन में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी, हमारे शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। तो सबसे छोटी हड्डी की बात की जाए तो सबसे छोटी हड्डी स्टेप्स है, और ये हड्डी हमारे कानों में पाई जाती है, हमारी ईयर्स में पाई जाती है। और भी जो भी ऑप्शन में ये बोन्स दी हैं इनके बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। इसमें वोमर हमारे स्कल में पाई जाने वाली छोटी हड्डी है, हमारे जो कपाल होता है उस कपाल में पाई जाने वाली छोटी हड्डी है। स्टेप जो है वो कानों में पाई जाती है, मैलिस भी कानों में ही पाई जाती है, इंकस भी कानों में पाई जाती है। याद रखिएगा हमारे कान जो होते हैं उनमें 3 हड्डियाँ पाई जाती हैं, मैलिस, इंकस और साथ ही साथ स्टेप। तो इसे मिस के नाम से याद रख लीजिएगा। हमारे कानों में ये 3 हड्डियां पाई जाती हैं, मैलिस, इंकस और स्टेप, जिसमें स्टेप सबसे छोटी हड्डी होती है और हमारे शरीर की भी सबसे छोटी हड्डी होती है। चौथे क्वेश्चन में भी वही क्वेश्चन पूछा गया है कि स्मॉलेस्ट बोन, यानी हमारे शरीर में कौन सी जगह पे सबसे छोटी हड्डी पाई जाती है। मैंने पहले ही बताया कि ईयर यानी कानों में हमारी स्टेप्स नाम की जो हड्डी होती है वो सबसे छोटी हड्डी होती है, वो पाई जाती है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हमारे शरीर में जो सबसे लॉन्गेस्ट बोन है, सबसे लंबी जो हड्डी है वो है फीमर, यानी जांघ की हड्डी जो होती है वो सबसे लंबी हड्डी होती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं, तो इन्होंने पूछा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट यानी लवण फाउंड इन मैक्सिमम अमाउंट इन ह्यूमन बोन्स, यानी हमारी हड्डियों में पाया जाने वाला जो सबसे अधिक मात्रा में सॉल्ट होता है, लवण होता है, वो कौन सा होता है। तो आपको मैं बताऊं कि ये जो बोन्स आपकी बोन्स होती हैं, साथ ही साथ हमारे जो टीथ होते हैं, हमारे दांत होते हैं, ये दोनों हमारे कैल्शियम और फॉस्फोरस से मिलकर बनते हैं, कैल्शियम और फॉस्फोरस से मिलकर बनते हैं, और ये कैल्शियम फॉस्फोरस जो हैं वो मिलकर एक सॉल्ट बनाते हैं जिसे कैल्शियम फॉस्फेट कहते हैं। कैल्शियम फॉस्फेट के नाम से इस सॉल्ट का नाम जाना जाता है, जो ऑप्शन में भी आपको दिया हुआ है कि कैल्शियम फॉस्फेट। तो कैल्शियम और फॉस्फोरस मिलकर कैल्शियम फॉस्फेट बनाते हैं, और ये कैल्शियम फॉस्फेट एक मिनरल बनाता है, एक खनिज पदार्थ बनाता है, जिसे हाइड्रोक्सी एपाटाइट के नाम से जाना जाता है। इस मिनरल को यूपीएससी के लिए जरूर याद रखिएगा, यूपीएससी कभी भी इस पर क्वेश्चन पूछ सकती है। हाइड्रोक्सी एपाटाइट नाम का ये जो मिनरल है, ये हमारी हड्डियों और दांतों में पाया जाता है। हड्डियों का लगभग 70% भाग जो होता है इसी मिनरल से बनता है, हाइड्रोक्सी एपाटाइट से। और हाइड्रोक्सी एपाटाइट किससे बनता है? कैल्शियम फॉस्फेट सॉल्ट से, और कैल्शियम फॉस्फेट सॉल्ट कैल्शियम और फॉस्फोरस से मिलकर बनता है। तो इस तरीके से इस ऑप्शन को हम सही मानेंगे, कैल्शियम फॉस्फेट ये सबसे ज्यादा पाया जाने वाला सॉल्ट हमारी हड्डियों में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट इज आर्थोप्लास्टी इन सर्जरी, यानी शल्य चिकित्सा में आर्थोप्लास्टी किसे कहते हैं। नाम से ही पता चल जा रहा है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। ओपन हार्ट सर्जरी नहीं हो सकता इसका ऑप्शन, किडनी ट्रांसप्लांट नहीं हो सकता, ब्लड ट्रांसफ्यूजन यानी कि रक्त का चढ़ाना ये नहीं हो सकता, हिप ज्वाइंट रिप्लेसमेंट यानी कूल्हों का बदलाव, यानी सर्जरी करके जब कूल्हों को बदला जाता है, जब कूल्हे बुढ़ापे में या किसी इंजरी की वजह से अगर टूट जाते हैं, तो हिप ज्वाइंट यानी कूल्हों को का बदलना ही आर्थोप्लास्टी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिशनल एलिमेंट इज नॉट इसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन स्ट्रेंथनिंग ऑफ बोन्स एंड टीथ, यानी दांतों और हड्डियों के लिए कौन सा मिनरल आवश्यक नहीं होता, नहीं होता। तो आपको पता हो गया कि कैल्शियम और फॉस्फोरस तो होते ही होते हैं, फ्लोरीन भी हमारे दांतों को बनाने के काम में आता है, दांतों और हड्डियों के डेवलपमेंट में उपयोग में होता है, में हमारे शरीर में उपयोग में लाया जाता है, तो फ्लोरीन भी आवश्यक है। आयोडीन हमारे शरीर के दांतों और बोन्स के डेवलपमेंट में सहायक नहीं होता, ये एक हार्मोन का निर्माण करता है जिसे थायराइड हार्मोन के नाम से जानते हैं। तो कैल्शियम फॉस्फोरस और फ्लोरीन हड्डियों और दांतों के डेवलपमेंट में सहायक होते हैं। फ्लोरीन के बारे में आपको बता दूं कि कुछ जगहों पे भारत में फ्लोरीन की अधिक मात्रा पाई जाती है, उनके पीने वाले जो हमारे पानी होते हैं बहुत बड़ा सोर्स है फ्लोरीन का, तो कुछ जगहों पर पीने के पानी में फ्लोरीन की मात्रा अधिक हो जाती है, जिसकी वजह से एक बीमारी होती है और उसका नाम होता है फ्लोरोसिस। फ्लोरोसिस, इस फ्लोरोसिस नाम की बीमारी होती है, इससे दांत का पीलापन हो जाता है, जिसे हम लोग हिंदी में या आम भाषा में बत्तीसी भी कहते हैं। तो फ्लोरोसिस जो बीमारी होती है, दांतों का पीलापन बढ़ना, ये फ्लोरीन की अधिकता की वजह से होती है, जो हमारे पानी के पीने के पानी में पाया जाता है। आठवें क्वेश्चन में हम लोग मैच करेंगे लिस्ट वन को लिस्ट टू से। लिस्ट वन में हम लोग जो बोन्स होती हैं, हड्डियां होती हैं, उनके कॉमन नेम के बारे में देख रहे हैं, और दूसरी तरफ हम लोगों के इनके एनाटॉमिकल नेम के बारे में दिया गया है। तो इन लिस्ट को आपस में मैच करना है। तो सबसे पहले ब्रेस्ट बोन की बात की जाए, ब्रेस्ट बोन किसे कहते हैं, तो याद रखिएगा स्टर्नम को ब्रेस्ट बोन कहते हैं। दो हमारे सीने के बीच में ये हड्डी पाई जाती है और इसे हम लोग स्टर्नम के नाम से जानते हैं। हमारे दो जो दूसरा ऑप्शन है उसमें कॉलर बोन पूछा गया है, कॉलर बोन को क्लेविकल के नाम से जाना जाता है। हमारे गले के दोनों तरफ एक पतली सी दोनों तरफ हड्डी पाई जाती है, जिसे हम लोग कॉलर बोन के नाम से जानते हैं, या फिर इसे टेक्निकली या एनाटॉमिकली क्लेविकल के नाम से जाना जाता है। नी कैप हमारे पटेला के नाम से जाना जाता है, यानी हमारे घुटने की जो हड्डी है उसे पटेला के नाम से जाना जाता है। शोल्डर ब्लेड हमारे कंधे के पीछे कुछ इस तरीके की दोनों तरफ हड्डियां पाई जाती हैं कंधे के पीछे, तो उसे हम शोल्डर ब्लेड के नाम से जानते हैं, और इसे टेक्निकली या एनाटॉमिकली स्कैपुला के नाम से जानते हैं। तो इस तरीके से जब चारों ऑप्शंस को हमने मिलाया तो देखा सी ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही आंसर है। नाइन्थ क्वेश्चन में हमसे पूछा गया, इन अ ह्यूमन ब्रेन मेमोरी पावर इज फाउंड इन, यानी हमारे जो ब्रेन है, हमारा जो मस्तिष्क है, उसमें याददाश्त
करने की जो क्षमता होती है, याद करने की जो क्षमता होती है, वो कहाँ पर पाई जाती है। तो इसके लिए हमें थोड़ा सा एनाटॉमी समझनी होगी ब्रेन की। तो ये जो ब्रेन होता है, ब्रेन के अगर हम स्ट्रक्चर को बनाने की कोशिश करें तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होगा। तो इसमें ब्रेन का जो सबसे बड़ा भाग होता है उसे हम लोग सेरेब्रम के नाम से जानते हैं। तो ब्रेन का याद रखें कि ब्रेन का जो सबसे बड़ा भाग होता है उसे सेरेब्रम कहते हैं, ब्रेन का जो सबसे छोटा भाग होता है उसे सेरेबेलम के नाम से जाना जाता है, सेरेबेलम के नाम से जाना जाता है। अब ये जो सेरेब्रम जो सबसे बड़ा भाग है, ये चार लोब्स में, चार भागों में डिवाइड है, चार भागों में डिवाइड है, जिसे हम लोग पहले आगे वाले भाग को फ्रंटल लोब कहते हैं, दूसरे ऊपर वाले भाग को पैराइटल, नीचे वाले भाग को टेम्पोरल और पीछे वाले भाग को ऑसिपिटल लोब के नाम से इसे जाना जाता है। तो टेम्पोरल लोब के अंदर एक भाग पाया जाता है, यानी सेरेब्रम में टेम्पोरल लोब में एक भाग पाया जाता है जिसे हिप्पोकैम्पस के नाम से जानते हैं, हिप्पोकैम्पस याद रखें। और इसी हिप्पोकैम्पस में ह्यूमन ब्रेन की जो मेमोरी पावर होती है, याद करने की क्षमता होती है, वो हिप्पोकैम्पस में होती है। तो अगर देखा जाए इन ऑप्शंस को, तो मेडुला ऑब्लांगाटा, सेरेब्रम, ब्रेन कैविटी, सेरेबेलम, जो चार ऑप्शंस दिए गए हैं, इसमें सेरेब्रम सही ऑप्शन है, क्योंकि जो याद करने की क्षमता होती है वो हिप्पोकैम्पस में होती है और हिप्पोकैम्पस टेम्पोरल लोब में पाया जाता है, जो सेरेब्रम का ही हिस्सा है। तो इसमें जो आंसर होगा वो आंसर बी बिल्कुल सही आंसर होगा। दसवें क्वेश्चन में पूछा गया है कि आफ्टर रीचिंग द फीमेल जेनाइटल ट्रैक ह्यूमन स्पर्म यानी शुक्राणु रिटेन देयर फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी फॉर, यानी जब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को थोड़ा सा डायग्राम से समझ लें कि ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है और इसमें ये जो भाग होता है ये वेजाइना वाला भाग है, योनि वाला भाग है, ये ओवरी है, अंडाशय, और ये है फैलोपियन ट्यूब, निषेचन नलिका। तो वेजाइना में जब स्पर्म इजैकुलेशन पूछा गया है कि जब वेजाइना में मेल जो है स्पर्म इजैकुलेट करता है, स्खलित करता है शुक्राणु, तो ये फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी यानी जो फर्टिलाइजेशन होता है वो फैलोपियन ट्यूब में होता है, ओवरी से अंडाणु निकलकर फैलोपियन ट्यूब में आ जाते हैं, स्पर्म यहाँ से मूव करके फैलोपियन ट्यूब तक पहुँचता है और फर्टिलाइजेशन जो होता है वो फैलोपियन ट्यूब या निषेचन नलिका में होता है। तो कितने घंटे तक ये जो निषेचन की क्षमता होती है इन स्पर्म्स की, कितने घंटे तक हो सकती है? तो याद रखिएगा आंसर 1 to 2 days, यानी 24 से 48 घंटे तक किसी भी स्पर्म की फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी होती है, निषेचन क्षमता होती है, वो निषेचित कर सकता है किसी ओवा को, किसी अंडाणु को। और ओवरी से निकला हुआ जो एग होता है वो हर 28 दिन में सिर्फ 24 घंटे के लिए ही ओवरी से निकलकर फैलोपियन ट्यूब तक आता है, यानी इसकी जो निषेचन क्षमता है वो 24 घंटे है। तो मेल के स्पर्म की निषेचन क्षमता 24 से 48 घंटे तक, और फीमेल के जो ओवा है उसकी जो निषेचन क्षमता रहती है फैलोपियन ट्यूब में वो रहती है 24 घंटे तक। तो ये दोनों चीजें आपको याद रखनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि मैमल्स रिस्पायर बाय, यानी जो स्तनधारी होते हैं वो किससे श्वसन करते हैं? तो स्तनधारी हम भी हैं, हमें पता होना चाहिए कि हमारा जो श्वसन होता है वो एक विशेष ऑर्गन से होता है जिसे लंग्स बोलते हैं या जिन्हें फेफड़ों के नाम से जाना जाता है, उनसे हम श्वसन करते हैं। इसके अलावा अगर गिल्स के बारे में पूछा जाए कि गिल्स से श्वसन कौन करता है, तो जितनी भी फिशेज होती हैं, जितनी भी मछलियाँ होती हैं, वो गिल्स से श्वसन करती हैं। ट्रैकिया की बात की जाए तो ट्रैकिया का जो एक रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, और इससे बहुत सारे इंसेक्ट्स हैं, इससे बहुत सारे जो कीड़े होते हैं, कीट होते हैं, वो सब ट्रैकिया नाम के रेस्पिरेटरी ऑर्गन से श्वसन करते हैं। स्किन से श्वसन करने वाले होते हैं अर्थवर्म्स, अर्थवर्म्स का मतलब केचुए, तो केचुए जो होते हैं वो स्किन से श्वसन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हेन डस हार्ट रेस्ट, यानी हृदय कब आराम करता है, कब अवकाश लेता है? तो पहली बात, हम लोगों के हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन को समझना पड़ेगा। हार्ट का चार चेंबर होते हैं, आपको पता ही होगा, ऊपर के चेंबर को एट्रियम, नीचे के चेंबर को वेंट्रिकल, यानी ऊपर के चेंबर को हिंदी में अलिंद, नीचे के चेंबर को निलय के नाम से जानते हैं। तो अलिंद और निलय की बात की जाए, तो जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है, रिलैक्स करता है, यानी जब हृदय की धड़कन चलती है, तो सबसे पहले एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो वेंट्रिकल रिलैक्स करता है,
फिर वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो एट्रियम रिलैक्स करता है। तो ये जो दोनों पोजीशन होती है इससे एक बीट बनती है, यानी एक धड़कन कंप्लीट होती हो जाती है। तो जब एक धड़कन कंप्लीट होती है तो दूसरी धड़कन जब शुरू होती है, यानी फिर से एट्रियम जब कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो इसके बीच में जो 0.1 सेकेंड का जो गैप होता है, इसी में हार्ट रिलैक्स करता है, हार्ट रेस्ट करता है, हार्ट अवकाश लेता है। तो हार्ट जो अवकाश लेता है वो बिटवीन टू बीट्स, यानी दो धड़कनों के बीच ये रिलैक्स करता है, रेस्ट लेता है, और इसका समय पीरियड होता है 0.1 सेकेंड। तो एक कार्डियक साइकिल जो होती है, यानी ये सारा जो घटना होती है वो 0.8 सेकेंड में कंप्लीट होती है, जिसमें 0.1 सेकेंड जो होता है वो हार्ट रिलैक्स करता है, रेस्ट करता है। ये एक इंटरेस्टिंग बात थी जो आपको पता भी होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी डिक्रीजेज इन विंटर्स, इंक्रीजेज इन समर्स, नाइदर डिक्रीजेज इन विंटर्स नॉर इंक्रीजेज इन समर्स इंक्रीजेज इन विंटर्स। यानी कि हमारे जो शरीर का तापमान है, मनुष्य के शरीर का तापमान है, वो सर्दियों और गर्मियों में बढ़ता या घटता है, क्या होता है? तो इसका जो आंसर होगा कि हम लोग वार्म ब्लडेड एनिमल हैं, हम लोग वार्म ब्लडेड एनिमल हैं, और वार्म ब्लडेड जो एनिमल्स होते हैं उनका तापमान, उनके शरीर का आंतरिक तापमान ना बढ़ता है ना घटता है, हमेशा नियत रहता है। हम लोग नियत तापी जीव हैं, वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं, गर्म रक्ती जीव हैं। तो हमारे शरीर का तापमान, यानी मनुष्य के शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस या 98.6 डिग्री फॉरेनहाइट होता है, जो कि सर्दियों में गर्मियों में हमेशा नियत होता है। हमारे शरीर में होने वाली जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं, उपापचय अभिक्रियाएं हैं, उनकी वजह से ये तापमान हमेशा एक जैसा बना रहता है। तो सर्दियां बढ़ने से या घटने से हमारे शरीर के आंतरिक तापमान पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आंसर इसमें सी सही होगा, नीदर डिक्रीजेस इन विंटर्स नॉर इंक्रीजेस इन समर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्लड इन अ नॉर्मल एडल्ट ह्यूमन बीइंग, यानी एक वयस्क मनुष्य में ब्लड का जो वॉल्यूम होता है, रक्त के की जो मात्रा होती है वो कितनी होती है? तो ये बिल्कुल याद करने वाली चीज़ है कि 5 से 6 लीटर ब्लड मनुष्य के शरीर में पाया जाता है, 5 से 6 लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ द ह्यूमन बॉडी, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि नॉर्मल टेम्परेचर हमारे शरीर का 37 डिग्री सेल्सियस है, 37 डिग्री सेल्सियस। तो आंसर 37 डिग्री सेल्सियस सही होगा, और इसको फॉरेनहाइट में मैंने आपको बताया था 98.6 डिग्री फॉरेनहाइट, इसे याद रखिएगा। 16वें क्वेश्चन में पूछा गया है, एस्पिरेशन और रीजन टाइप का ये क्वेश्चन है, जिसमें ये एस्पिरेशन दिया हुआ है कि ड्यूरिंग स्लीप ब्राइट लाइट इज अनडिजायरेबल, यानी सोते वक्त जो ब्राइट लाइट होती है वो अनचाही होती है, अनडिजायरेबल होती है। तो ये बिल्कुल सही है। रीजन दिया गया है, इन ब्राइट लाइट प्रोडक्शन ऑफ मेलाटोनिन इन द बॉडी इज कंसिडरेबली इंक्रीज, यानी जब ब्राइट लाइट होती है तो मेलाटोनिन का सिक्रीशन बढ़ जाता है। नहीं, ये ऐसा नहीं होता है, ब्राइट लाइट में मेलाटोनिन हार्मोन का सिक्रीशन घट जाता है। तो इसके मेलाटोनिन हार्मोन क्या होता है, इसको थोड़ा सा समझ लें। हमारे ब्रेन के पास में एक ग्लैंड पाई जाती है जिसे हम लोग पीनियल ग्लैंड कहते हैं, पीनियल ग्रंथि कहते हैं, और ये पीनियल ग्लैंड जो है एक हार्मोन का सीक्रीशन करती है जिसे मेलाटोनिन हार्मोन के नाम से जाना जाता है। तो ये जो मेलाटोनिन हार्मोन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन है, और ये हमारे बॉडी की जो बायोलॉजिकल क्लॉक होती है, यानी जैविक घड़ी होती है, हमारे शरीर के सोने जागने, हमारे शरीर में जो भी शरीर में जो समय पर जो चीज़ें होती हैं उनको सबको मेंटेन करने का काम जो करता है वो मेलाटोनिन हार्मोन उसमें मदद करता है या उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। हमारे शरीर में हमारे स्लीप साइकिल, यानी हमारे सोने के समय को भी मेंटेन करने का काम जो है वो मेलाटोनिन हार्मोन करता है। इसके अलावा ये हमारे इम्यून सिस्टम को भी इंक्रीज करता है, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी इंक्रीज करता है, एज अ एंटीऑक्सीडेंट, एंटीऑक्सीडेंट की तरह से भी ये बिहेव करता है, प्रतिऑक्सीकारक की तरह भी ये बिहेव करता है मेलाटोनिन हार्मोन। तो इसके बड़े काम हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब रात में हम सोते हैं तो ऐसे वक्त पर मेलाटोनिन हार्मोन का सिक्रीशन अंधेरे के वक्त पर बढ़ जाता है। हम जब अंधेरा करके रात में सोते हैं तो मेलाटोनिन हार्मोन का सिक्रीशन बढ़ जाता है, जिससे हमें डीप स्लीप आती है, यानी कि बहुत ही हम आराम से सो पाते हैं,
और ये इसकी वजह से हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम इंक्रीज करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है। यही कारण है कि जब एक इंसान बीमार होता है तो उस बीमारी के समय ज़्यादा वक्त पर उसको सोए रखा जाता है, उसको सुलाने की कोशिश की जाती है, या फिर देखा यह जाता है कि उसके कमरे को थोड़ा अंधेरा करके डिम लाइट में रखा जाता है, जिससे कि वो उसके शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता इंक्रीज कर जाए और उसको हीलिंग या उसके शरीर में जो घाव हैं वो जल्दी से जल्दी भर जाए। तो इसमें एसरेशन तो सही है लेकिन रीजन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ ह्यूमन ब्रेन इज द रेगुलेटिंग सेंटर फॉर स्वलोइंग एंड वॉमिटिंग, यानी कि निगलने और वॉमिट करने यानी कि उबकाई आने का जो सेंटर है हमारे ब्रेन का वो कौन सा है। तो सेरेबेलम, सेरेब्रम, मेडुला ऑब्लॉन्गाटा, पॉन्स। तो इसमें जो क्वेश्चन का आंसर है वो मेडुला ऑब्लॉन्गाटा स्वॉलोइंग और वॉमिटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। मेडुला ऑब्लॉन्गाटा इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। मैंने आपको बताया था कि ब्रीदिंग के लिए, हार्ट बीट के लिए मेडुला ऑब्लॉन्गाटा की आवश्यकता होती है। ये ब्रेन स्टेम यानी कि हमारी जो मस्तिष्क रज्जू है उसका एक भाग होता है मेडुला ऑब्लॉन्गाटा। तो ये रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे स्वॉलोइंग और वॉमिटिंग सेंटर की तरह से माना जाता है। इलेक्ट्रो इंसेफेलोग्राम इज यूज इन मॉनिटरिंग, यानी ईईजी का यूज किया जाता है किसको मॉनिटर करने के लिए। तो ये बात याद रखें कि ब्रेन को यू ब्रेन जो होता है उसके अंदर जो वेव्स डेवलप होती हैं, इलेक्ट्रिकल वेव्स जो डेवलप होती हैं, उस इलेक्ट्रिकल वेव्स को नापने का काम यानी हमारी ब्रेन की एक्टिविटी को देखने का काम, ब्रेन की एक्टिविटी को कंसीडर करने का काम, उसको जांचने का काम ईईजी के थ्रू किया जाता है। हार्ट को, हार्ट की जो इलेक्ट्रिकल वेव्स होती हैं उनको ईसीजी से नापा जाता है या ईसीजी से डायग्नोस किया जाता है। ईसीजी का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होता है। इसको जो मशीन नापती है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ कहलाती है। याद रखें इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ईसीजी का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम इसका फुल फॉर्म होता है। और जो मशीन इसको नापती है, अक्सर हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो मशीन याद रखिएगा ईसीजी को नापने की जो मशीन होती है वो होती है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। और ब्रेन की एक्टिविटी को नापने का काम इलेक्ट्रो इंसेफेलोग्राम करता है, ईईजी करता है। तो आंसर डी सही है। 19वें क्वेश्चन में पूछा गया है कि बॉडी टेम्परेचर इज रेगुलेटेड बाय, हमारे शरीर का जो तापमान होता है वो रेगुलेट किया जाता है, नियंत्रित होता है मस्तिष्क के किस भाग द्वारा। तो थैलेमस, हाइपोथैलेमस, सेरेबेलम, मेडुला। मेडुला के बारे में आप जान चुके हैं, सेरेबेलम के बारे में भी मैंने आपको पहले बताया है। थैलेमस की बात की जाए तो थैलेमस का भाग जो होता है ये इमोशनल ब्रेन कहलाता है, हमारे इमोशंस को कंट्रोल करने का काम करता है। साथ ही साथ जो संवेदी सूचनाएं होती हैं हमारे शरीर की, जो सेंसरी सिग्नल्स होते हैं उन सेंसरी सिग्नल्स को रिसीव करने का काम करता है हमारा थैलेमस वाला भाग। इसके अलावा हाइपोथैलेमस सही आंसर है इस क्वेश्चन का। हाइपोथैलेमस हमारे शरीर में टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, तापमान को नियंत्रित करने का काम हाइपोथैलेमस का होता है। इसके अलावा भी हाइपोथैलेमस कई काम करता है, टेम्परेचर को तो रेगुलेट ही करता है, साथ ही साथ हमारे शरीर में जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, जो पीयूष ग्रंथि होती है, उसका भी नियंत्रण, उसको भी कंट्रोल करने का काम हाइपोथैलेमस का होता है। तो हाइपोथैलेमस का काम टेम्परेचर रेगुलेट करना और पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करना, पीयूष ग्रंथि को नियंत्रित करना करने का काम किया करता है। 20वां क्वेश्चन की बात की जाए तो 20वें क्वेश्चन में पूछा गया बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, ह्यूमन बॉडी कंटेन्स अबाउट 70% वाटर, 20-30% वाटर, 10-20% वाटर, 30-40% वाटर। तो याद रखिए हमारे शरीर में लगभग 65% से लेकर 70% तक वाटर पाया जाता है। तो इसमें जो सबसे करीबी आंसर है वो अबाउट 70%, तो ये आंसर ए सही है। 70% वाटर हमारे शरीर में, 70% के लगभग पानी हमारे शरीर में पाया जाता है। इस तरीके से इस सीरीज का दूसरा भाग मैंने कंप्लीट किया और ये आपको कैसा लगा इस पर जरूर कमेंट करें, और आगे हम लोग इस सीरीज के और भी टॉपिक्स लेकर आएंगे। तो इसे दूसरों से शेयर करें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इससे फ़ायदा मिल सके। थैंक यू सो मच।